हमारे साथ यहाँ पर आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो जींद में कांग्रेस भवन में अपनी कार्यकर्ता मीटिंग करने के लिए आए थे, यहाँ पर हमारे साथ अरुण खरब जी मौजूद हैं। हम उनसे बातें करेंगे और जानेंगे उनके विचार। सर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव मैदान में उतरे, क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे सर्वप्रिय नेता हैं और शेरे हरियाणा हैं। वो सोनीपत से लोकसभा के उम्मीदवार उतरे हैं, तो बाहरी मतों से आज हमने यहाँ पर कार्यकर्ता मीटिंग में सभी ने निर्णय लिया है कि उनको बाहरी मतों से जिता करके भेजेंगे। दूसरे कैंडिडेट जो भी हों धराशायी हो जाएंगे हुड्डा साहब के सामने। इतना जोश है कार्यकर्ताओं में कि हुड्डा साहब को बहुत भारी मतों से जिता कर करके उनको लोकसभा भेजने का काम करेंगे। दावे तो सभी पार्टियां कर रही हैं कि हमारा कैंडिडेट जीतेगा, तो आप किस प्रकार संतुष्ट दिला सकते, संतुष्टि दिला सकते हो? सर देखिए, हुड्डा साहब हमारे कांग्रेस के पार्टी के सिपाही हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं और इसमें कोई दोराड़ी बात नहीं। सबसे बड़ा चेहरा हमारा हुड्डा साहब है और ये हुड्डा साहब के सामने सारे के सारे टोटली जो है ना कैंडिडेट धराशायी हो जाएंगे। दिग्विजय चौटाला का कितना इफेक्ट पड़ेगा? दिग्विजय चौटाला दोनों ने जींद देख लिया था, अब सोनीपत में देख लेंगे। वो MLA बना दिए हैं, MP बना देंगे, फिर उनको जिला पार्षद बनाएंगे, एक टाइम आ जाएगा उनको पंचायत मेंबर भी बनाना पड़ेगा।